द टाइपराइटर पुल अप। हाय गाइस, वेलकम बैक टू इंडियन कैलिस्थेनिक्स। इस पुलअप का नाम टाइपराइटर पुलअप क्यों है? क्योंकि इसमें बॉडी कुछ इस तरीके से पुराने जमाने में जो टाइपराइटर होते थे उससे रिजेंबल करती है। तो इस वीडियो में हम यही सीखेंगे। बहुत ही इजी सा मूव है, डिफिकल्टी लेवल इस मूव का है इंटरमीडिएट। इस वीडियो के लास्ट तक आप ये कर पाओगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस पुलअप के टारगेट मसल्स की। नॉर्मल पुलअप के कंपेरेटिवली ये पुलअप क्यों बेटर है टारगेट मसल्स हिट करने के लिए? क्योंकि जब आप एक साइड में जाओगे तो उस साइड की आपकी बाइसेप, फोरआर्म, लैट्स, ट्रैप्स और आपकी कोर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फेस करेगी। ऐसे ही फिर दूसरी साइड जाओगे तो इस साइड भी कवर हो जाएगी। नॉर्मल पुलअप में दोनों चीज़ें हो रही होती हैं लेकिन थोड़ी कम, इसमें वही सब चीज़ें मैक्सिमाइज हो जाएंगी। तो क्यों नहीं करते इस पुलअप को, आज ही से स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप, आपको सबसे पहले आनी चाहिए पुलअप्स कुछ इस फॉर्म के साथ, 8 से 10 रैप खुद से। ये अप एंड डाउन विद अ कंट्रोल फॉर्म पुलअप को पुलअप बोलूंगा मैं, ये आधी आधी पुलअप नहीं चलेंगे भाई, पूरा ऊपर पूरा नीचे बहुत अच्छे से। फर्स्ट स्टेप डन। अब सेकंड स्टेप आपका आता है नॉर्मल पुलअप पे होल्ड। अभी होल्ड क्यों करना है? जिससे आप अपने बॉडी पे ज्यादा अच्छे से कंट्रोल ले पाओ। थर्ड स्टेप आपका आता है कि ये जो आपने नॉर्मल ग्रिप करी हुई है इसी को कर देना है वाइड ग्रिप, थोड़ा और वाइड। हाँ, अब इस वाइड ग्रिप में ही आपको पुलअप्स आने चाहिए कम से कम 7 से 8 या फिर 10 तक ले जाओ। उसके बाद आपको कर लेना है इस पे भी होल्ड। इतना तो कर ही लोगे, इतना तो पहले भी कराया और आगे भी करते जाओगे, यहां रहोगे तो करना पड़ेगा। अब बात आती है कि इस वाइड पुलअप में और ये टाइपराइटर पुलअप में अंतर क्या है? अंतर है सिर्फ हैंड प्लेसमेंट का। अभी आपकी चेस्ट बार से थोड़ी नीचे है, टाइपराइटर पुलअप में चेस्ट आ जाती है बार के साथ साथ लेवल्ड अप, और उसमें आपको ड्रैग करना होता है अपने आप को इधर साइड और उधर साइड बस। तो ये जो हैंड प्लेसमेंट की बात हो रही है यही की है टाइपराइटर पुलअप के लिए। जैसा कि हमने आर्चर पुलअप में भी आपको एक स्टेप बताया था, आपको दोनों तरफ होल्ड करना आनी चाहिए, तभी तो ये हैंड प्लेसमेंट समझोगे। सबसे पहले खुद से ट्राई करो एक साइड होल्ड करने की, होती है वेल एंड गुड, नहीं होती कोई दिक्कत नहीं, आप दूसरे बंदे से सपोर्ट मांगो। इस तरीके से होल्ड करा, देन दूसरी तरफ ट्राई करा। अभी चांसेस ये है एज अ बिगिनर कि आप बार के नीचे होल्ड कर रहे होगे और उसमें भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो रही होगी, उसको थोड़ा ईजी और टाइपराइटर पुलअप के एक की तरफ एक स्टेप बढ़ाने के लिए आपको बार के ऊपर जाना है। इस तरीके से गए एंड इस तरीके से हैंड प्लेसमेंट समझी। फॉर द टाइम बिंग आप जमीन पर खड़े होकर स्मिथ मशीन पर ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा है पुलअप बार है तो बेंच पर खड़े होकर ट्राई कर सकते हो। अभी सिर्फ आप ऊपर का मोशन समझो, जो मसल की स्ट्रेंथ है वो बाद में लगा लेना। पहला हाथ इस तरीके से जाता है, दूसरा इस तरीके से बार के ऊपर आके सीधा हो रहा होता है, समझे? कुछ इस तरीके से। अब आप पूरी तरह से तैयार हो सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए और टाइपराइटर पुलअप को अटेम्प्ट करने के लिए, तो कर दो। अब ये मूव आप कब कब ऐड कर सकते हो? आप इसको अपने बैक वर्कआउट से पहले या बाद में ऐड कर सकते हो, जरूर करो। क्योंकि भाई ऐसा होता है, जो बंदा बचपन से पुलअप मारे जा रहा है नॉर्मल, बॉडी अडेप्ट कर लेती है उस चीज़ को, रिजल्ट उस हिसाब से दिखा नहीं पाती, तो वहाँ आपको लाने पड़ेंगे वेरिएशंस। अब पुलअप के वेरिएशंस कहाँ से मिलेंगे आपको? यहाँ से। उसके बाद पुशअप के भी वेरिएशन देख लो, फिर ये दोनों वीडियोज देख लो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। कोई दिक्कत है कहीं भी कैसे भी तो इंस्टाग्राम पे मैसेज। ओके बाय।